राशि में ऑपरेशन जिंदगी कहां तक पहुंचा है अभी देखते हैं। 10 दिन बाद अंधेरी सुरंग से आई अच्छी खबर। ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। जहां फंसे 40 मजदूर वहां पहुंचा कैमरा। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाए, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाए। दो 240 घंटे बाद शुभ समाचार, मजदूर देखे पहली बार। इनको एक एकड़ के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। मिली पहली कामयाबी, अब बाहर आने की बारी। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में ला के रख दे, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। और देखिए उत्तरकाशी की अंधेरी सुरंग में 10 दिन और 253 घंटे से ज्यादा फंसे 41 मजदूरों के लिए आज राहत की खबर आई है। टनल में मजदूरों तक पहली बार कैमरा पहुंचा है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी के सभी मजदूर सही सलामत हैं, सबकी गिनती हो चुकी है, सबसे बातचीत लगातार हो रही है और टनल के अंदर सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें 10 दिन से टनल में कैद मौजूद जो मजदूर हैं वो दिख रहे हैं। वीडियो में ये सारी तस्वीरें भी चल रही है, वीडियो में दिख रहा है कि मजदूर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वैसे आपको बता दें 12 नवंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे 41 मजदूर सुरंग के 260 मीटर अंदर काम कर रहे थे, 260 मीटर अंदर काम कर रहे थे, तभी 205 मीटर से 260 मीटर की दूरी पर मिट्टी का धसाव हुआ और सभी काम करने वाले मजदूर अंदर फंस गए। अच्छा, जिस जगह पर भूस्खलन हुआ वो हिस्सा सिलकियारा की तरफ है। रात की बात यह है कि वहां टनल बन चुका है इसलिए मजदूर लैंडस्लाइड से सुरक्षित है। अब मजदूरों को बचाने के लिए नई रणनीति के तहत 8 एजेंसियां एक साथ 5 तरफ से टनल की ड्रिलिंग में लगी हुई है। अमेरिका से लगाई मशीन की मदद से धसे हुए हिस्से को ड्रिल किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। उत्तरकाशी के सिलकियारा में टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है और इस काम में जुटी रेस्क्यू टीम के लिए आज की सुबह सबसे सुकून देने वाली रही। पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया। वीडियो में सभी मजदूर ना सिर्फ सुरक्षित बल्कि स्वस्थ भी दिख रहे हैं। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले जाओ। इनको एक एकड़ के कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में ला के रख दे, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। वीडियो में पीले और सफेद रंग के हेलमेट पहने मजदूर पाइपलाइन के जरिए भेजे गए खाने को लेते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। रात को खिचड़ी के बाद सुबह नाश्ता तैयार करके भेजा गया, साथ ही वॉकी टॉकी के जरिए उनसे संपर्क का प्रयास भी किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों से सुरंग की तस्वीर दिखाने को कह रही है, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि घबराइए नहीं, जल्द ही रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंच जाएगी और उन्हें बचा लेगी। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा उल्टा करके कैमरा को, वो जा रहा है ऊपर दिखा रहा है।
रस्सी लगा रखी है और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं एक एक चीज सुन रहा है वहाँ पर, वही कर रहा था। सर खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। मजदूरों को निकालने के लिए एक्सपर्ट टीम अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रही है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन टीम सेलक्यारा सुरंग में इस वक्त मौजूद है। यहाँ डीआरडीओ के 70 किलो के दो रोबोट पहुंच चुके हैं। It's fantastic, of course, the news we've had over the last few hours. It's great to see the faces of those men that we're going to bring home. We've got, of course, better food going to them now. We've got communications going to them now. You'll see this morning that we've got multiple approaches for the rescue. It's a good morning. वो पाइप्स जिनसे तमाम फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकलना है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कोशिश की जा रही है, जो ट्रक पे फिलहाल आपको पाइप नजर आ रहे हैं जिनको क्रेन की मदद से उठाने की कोशिश की जा रही है, यही वो पाइप हैं जिनकी मदद से जो तमाम फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अभी इस तरीके के चार पाइप अंदर मौजूद हैं, आज पांचवा पाइप डालने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान हर कदम पर चुनौतियां ही चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम हर चुनौतियों को मात देते हुए आगे बढ़ रही है। रेस्क्यू टीम पहले दिन से ही जान रही है कि रेस्क्यू में वक्त लगने वाला है, इसलिए मजदूरों को बाहर निकालने से पहले रेस्क्यू तक उनको सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम ने वो कर दिखाया। पूरे देश में उत्तरकाशी में फंसे लोगों के लिए दुआएं की जा रही हैं। टनल के अंदर इंद्रजीत के बड़े भाई विश्वजीत फंसे हैं। इंद्रजीत ने अपने भाई से बात की। वॉकी टॉकी पर हुई बातचीत में विश्वजीत ने बताया कि सुरंग में सभी मजदूर सुरक्षित हैं। भाई की सलामती पर इंद्रजीत ने अपनी खुशी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जाहिर की। झारखंड से आए इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, जिनके बड़े भाई विश्वजीत टनल में हैं और बातचीत इनकी हो रही है रेगुलर। लेकिन आज जब वीडियो में देख लिया, सबसे पहले तो ये बताइए, जब वीडियो आए तो भाई को ढूंढा उसमें? हाँ, वो तो मैं देखा। हाँ, और दिख गए थे? हाँ, उसके साथ साथ तो जितने भी उसके अंदर में सभी स्टाफ हैं, सभी तो देखे, बहुत अच्छा मन लगा कि सब सकुशल है। जिस क्षेत्र में मजदूर फंसे हुए हैं वो 8.5 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर लंबा है। इसमें सुरंग का निर्मित हिस्सा शामिल है जहां कंक्रीटिंग का काम पूरा हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बार बार मलबा गिरने से दिक्कत आ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और सबसे बातचीत भी हो रही है। मजदूरों के साथ साथ उनके परिवार वालों का हौसला भी बढ़ गया है और जिंदगी की नई उम्मीद जागी है।